नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। शहर के मध्य अठवरिया मंदिर के प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री राम व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए अठवरिया परिवार से अमृत अग्रवाल एवं ओम अग्रवाल ने बताया कि चौथे दिन की कथा जन्मोत्सव हेतु सुबह से ही काफी गहमा गहमी थी। पूरा पंडाल व प्रांगण गुब्बारों, टॉफियों, खिलौनों, बिस्कुट से सजाया गया था। भगवान के बालक का रूप देखते हुए खिलौने तथा अन्य मनमोहक सामानों से प्रांगण की रूपरेखा बदली बदली सी नजर आ रही थी, मानो भगवान साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं। श्रोतागण में महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भगवान को रिझाने के लिए श्रद्धालुओं ने मनमोहक वस्त्र भी पहन रखे थे। कथा के चौथे दिन प्रांगण में जगह जगह कम पड़ जाने पर लोग मैदान में खड़े होकर प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को व्याकुल थे। आयोजक द्वारा उत्तम व्यवस्था के कारण सभी श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चौथे दिन भी बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान की विशेष झांकी तैयार की गई थी, जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया। उपस्थित लोगों में आनंद अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, आशीष गोयल, मनीष गोयल, श्याम प्रकाश, नवनीत दास आदि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।